चिल्ड्रंस, अब हम करेंगे हाउसिंग एंड क्लोथिंग चैप्टर की एक्सरसाइज। पहला एक्सरसाइज क्या है? टिक द करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपको सही ऑप्शन पर टिक करना है। ओके, वी नीड अ डैश टू लिव इन। हमें रहने के लिए क्या चाहिए होता है? हाउस, क्लोथ्स, फूड। हमें रहने के लिए क्या चाहिए होता है? हाउस चाहिए होता है, क्लोथ्स चाहिए होते हैं, फूड चाहिए होता है। हमें रहने के लिए हाउस चाहिए होता है, तो हम हाउस पर टिक करेंगे। ओके, वी मीट आर गेस्ट इन द। नेक्स्ट क्या है? हम अपने मेहमानों से कहाँ पर मिलते हैं? ड्राइंग रूम में, स्टडी रूम में या बेडरूम में? हम अपने गेस्ट से मिलते हैं ड्राइंग रूम में। सो राइट ऑप्शन इज ड्राइंग रूम, तो हम ड्राइंग रूम पर टिक कर देंगे। नेक्स्ट क्या है? वूलन क्लोथ्स आर मेड अप ऑफ। वूलन क्लोथ्स मतलब सर्दियों के कपड़े किस से बनते हैं? प्लास्टिक से बनते हैं, कॉटन से बनते हैं या वूल से बनते हैं? वूलन क्लोथ्स बनते हैं वूल से। सो सही आंसर क्या है? वूल। देन वी विल टेक वूल। नेक्स्ट क्या है? वी वियर डैश क्लोथ्स इन समर सीजन। हम समर सीजन में कौन से क्लोथ्स पहनते हैं? कॉटन क्लोथ्स, वूलन क्लोथ्स या रेनकोट? हम समर्स में कॉटन क्लोथ्स पहनते हैं, तो राइट आंसर कॉटन। कॉटन पे टिक कर देंगे। ओके, नेक्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट। ब्रैकेट में आपको ऑप्शन दिए हैं, इन ऑप्शन में से आपको सही ऑप्शन चूज करके यहाँ पर लिखना है। पहला क्या है? फर्स्ट इज आर हाउस कीप्स अस सेफ फ्रॉम हीट एंड डैश। हमारा हाउस हमें प्रोटेक्ट करता है, सेफ रखता है हीट से और क्लोथ से या रेन से? रेन से। तो आंसर क्या है? रेन। सेकंड, वी टेक बाथ इन द डैश। हम नहाते कहाँ पर है? हम बाथ कहाँ लेते हैं? किचन में या बाथरूम में? वी टेक बाथ इन बाथरूम। सो हम यहाँ पे लिखेंगे बाथरूम। वी वियर डैश ड्यूरिंग द रेनी सीजन। हम रेनी सीजन में क्या वियर करते हैं? गमबूट्स या अम्ब्रेला? गमबूट्स। तो सही आंसर गमबूट्स यहाँ लिखेंगे। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम डैश। क्लोथ हमें प्रोटेक्ट करता है थीव से, चोरों से या इंसेक्ट बाइट से? इंसेक्ट बाइट से। सो सही आंसर इंसेक्ट बाइट हम यहाँ लिखेंगे। सी ऑप्शन क्या है? राइट ट्रू एंड फॉल्स फॉर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सो फर्स्ट है वी कुक फूड इन द किचन। हम खाना किचन में बनाते हैं। ट्रू, यस। सो आंसर क्या है? ट्रू। वी विल राइट हेयर टी। सेकेंड, वी स्लीप इन द बेडरूम। हम सोते कहाँ पर है? बेडरूम में। यस, इट इज द राइट सेंटेंस। तो हम यहाँ पे लिखेंगे ट्रू मीन्स टी। वी गेट कॉटन फ्रॉम शीप। हमें कॉटन शीप से मिलती है? नो, हमें कॉटन प्लांट से मिलती है। सो दिस इज रॉन्ग। सो हम यहाँ पे लिखेंगे फॉल्स मीन्स एफ। कॉटन क्लोथ्स आर गुड फॉर विंटर्स। कॉटन क्लोथ्स विंटर्स के लिए अच्छे होते हैं? नो, कॉटन क्लोथ्स आर गुड फॉर समर्स। इसलिए हम ये सेंटेंस गलत है। वी विल राइट हेयर फॉल्स मीन्स एफ। नाउ आपको ये क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक में लिखने हैं, साइंस की नोटबुक में। तो पहला क्वेश्चन क्या है? व्हाई डू वी नीड अ हाउस। हमें हाउस क्यों चाहिए होता है? अ हाउस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड, रेन, थीव्स एंड एनिमल्स, ऑल्सो टू फील सेफ इन इट। हाउस हमें प्रोटेक्ट करता है हीट से, कोल्ड से, रेन से, थीव से और एनिमल से, मतलब गर्मी से, सर्दी से, रेन से, थीव से, इन सब चीज़ों से हमें हाउस हमारा प्रोटेक्ट करता है। सेकंड क्वेश्चन, नेम द डिफरेंट रूम्स इन द हाउस। हमारे हाउस में अलग अलग रूम्स होते हैं, उन रूम्स के नाम आपको यहाँ पर लिखने हैं। तो अलग अलग रूम्स कौन कौन से होते हैं? किचन, बाथरूम, डाइनिंग रूम, बेडरूम, ड्राइंग रूम, स्टोर रूम। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाई डू वी नीड क्लोथ्स। हमें क्लोथ्स क्यों चाहिए होते हैं?
क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, क्लोथ्स हमें बचाते हैं गर्मी से, एयर हवा से, कोल्ड से, ठंड से, रेन से, बारिश से और इंसेक्ट बाइट से, ताकि हमें कोई इंसेक्ट कोई कीड़ा ना काट ले, इसलिए हम क्लोथ्स से अपनी बॉडी को कवर करके रखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट टाइप ऑफ क्लोथ्स डू वी वियर ड्यूरिंग, हम अलग अलग क्लोथ्स पहनते हैं, तो हम विंटर सीजन में कौन से क्लोथ्स पहनते हैं, वुलन क्लोथ्स। समर सीजन में हम कौन से क्लोथ्स पहनते हैं, कॉटन क्लोथ्स। रेनी सीजन में हम कौन से क्लोथ्स पहनते हैं, रेनकोट और गम बूट्स। सो आपको ये क्वेश्चन आंसर्स अपनी नोटबुक में करने हैं। ओके चिल्ड्रंस, थैंक यू।